Hi guys, welcome back to my channel. So I hope all are doing well. So today I have the Tata Punch EV Adventure LR. Basically एक मिड साइज एस यू वी है, सब 4 मीटर कम्पैक्ट एस यू वी इन दी इलेक्ट्रिक वर्जन। और उससे पहले मैं बात करता हूँ टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट की, बिकॉज टाटा पंच एडवेंचर इज़ द बेस्ट सेलिंग वेरिएंट ऑफ दी टाटा पंच सेगमेंट। उसी में आपको टाटा मोटर्स ने दी है टाटा पंच ईवी एडवेंचर लॉन्ग रेंज, जिसको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ और आप सभी से शेयर करने वाला हूँ आपको ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल होने वाली इन टर्म्स ऑफ दी ट्रेवल रेंज, बैटरी पैकेज, पावर, परफॉर्मेंस, सेफ्टी फीचर्स। मेजरली 5 स्टार ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिली है, पंच फ्यूल एज वेल एज पंच ईवी दोनों। सो जो एक्सटीरियर डायमेंशंस है सेम है, बट इस गाड़ी में खास फीचर्स है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इन केस आपकी अगर कुछ इंक्वायरी है रिगार्डिंग टाटा पंच या टाटा कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, हैवी कमर्शियल्स, सीएनजी, ईवी फ्यूल, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। स्पेशल थैंक्स टू दी दुर्गा मोटर्स फॉर टाटा मोटर्स परवरिम गोवा फॉर गिविंग मी दिस कार फॉर अ रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल रिव्यू ऑफ द टाटा पंच इलेक्ट्रिक एडवेंचर लॉन्ग रेंज। दिस इज टाटा पंच ईवी एडवेंचर लॉन्ग रेंज। जो गाड़ी का कलर है सीवीट ग्रीन कलर है, जो एकदम डार्क शेड है। एक्चुअल में ड्यूअल टोन गाड़ी आती है, बट ये जो है सिंगल टोन है, बिकॉज दिस इज द मिड वेरिएंट ऑफ टाटा पंच ईवी जो है एडवेंचर लॉन्ग रेंज विदाउट सनरूफ। एडवेंचर LRS यानी एडवेंचर लॉन्ग रेंज विद सनरूफ आता है, इसमें सनरूफ नहीं है। गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है ₹13 लाख इन गोवा। दिल्ली की एक शोरूम प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक कीज मिलती है, दोनों लॉक एंड अनलॉक बटन, बूट ओपन बटन एंड फॉलो मी होम बटन। एंड दूसरी तरफ है टाटा बैशिंग। इसमें आपको मिलती है 35 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी। और जो मोटर मिलता है वो मोटर पावर प्रोड्यूस करता है 120 bhp एंड 173 Nm टॉर्क। ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिक, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स गियर एंड न्यूट्रल। कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं, कॉस्मेटिक्स में सबसे पहले डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, ओनली पंच में मिलते हैं। यहाँ पर है ब्लैक ग्लॉस एंड वाइट कलर टाटा बैशिंग। इसके अंदर में आपके पास नॉर्मल चार्जिंग एंड फास्ट चार्जिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो चार्जर्स है 3.3 किलोवाट आपको कंपनी देगी इसके साथ, जो फ्री होगा। अगर आप 7.2 किलोवाट का लेना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा, जो आपको ओनली टॉप एंड ट्विस्ट में मिलेगा फ्री। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो मिड वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट में आपके पास आएगा 3.3 किलोवाट का चार्जर। सो उसके नीचे यहाँ पर आपके पास है नंबर प्लेट प्लेसमेंट, नो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर ऑन दिस वेरिएंट। यहाँ पर हॉर्न प्लेसमेंट है, यहाँ पर है टोइंग हुक प्लेसमेंट, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स फॉर हायर बीम एंड लोअर बीम। यहाँ से भी हम प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ऑन कर सकते हैं रात के समय। उसके नीचे है कॉर्नरिंग लाइट्स एंड फॉग लाइट्स। यहाँ पर फंक्शनल वेंट्स मिलते हैं दोनों तरफ। सो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आर नॉट ऑटोमेटिक, पूरी तरह से मैनुअल है। इवन जो ड्यूअल वाइपर्स जो है आपको फ्रंट में मिलते हैं वो भी पूरी तरह से मैनुअल है, ऑटोरेंज सेंसी वाइपर्स ऑप्शन नहीं है। कमिंग टू दी साइड प्रोफाइल ऑफ दी पंच, डायमेंशंस सेम है, बट यहाँ पर आपके पास अपोलो के टायर्स आएंगे जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जहाँ पर रिम व्हील्स है, जो टायर प्रोफाइल है 195/60R16 की है, 16 inches रिम व्हील, मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन विथ ई कॉयल स्प्रिंग, ओवरऑल बॉडी क्लाइडिंग मिलती है ब्लैक मैट कलर में, डॉट ईवी बैशिंग ऑन दी ड्राइवर एंड को ड्राइवर डोर, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट एज वेल एज रियर में भी। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक मिड वेरिएंट में आपके पास डिस्क ब्रेक आएंगे। गाड़ी की एक शोरूम प्राइस ऑलरेडी मैंने बता दी है 13 lakh rupees की। यहाँ पर है शॉक एब्जॉर्बर्स इन दी रियर, बट मुझे प्लस पॉइंट लगा इसका डिस्क ब्रेक्स। इसी के साथ इसमें आपको मिलती है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको गाड़ी में बैठे बैठे पता चलेगा आपके टायर्स में कितना प्रेशर है, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पर दिखता है। कमिंग टू दी रियर ऑफ दी टाटा पंच ईवी, सबसे पहले यहाँ पर है हाई माउंट टेल लाइट, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, नो डिफॉगर, नो वाइपर इन द रियर। यहाँ पर है टाटा बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ ई पार्किंग सेंसर्स ऑन दी बम्पर, पियानो ब्लैक फिनिश, पंच डॉट ईवी बैजिंग जो यहाँ से ही यहाँ तक है। मुझे पता नहीं आपको दिख रही है क्या नहीं दिख रही, बिकॉज ये कलर इतना डार्क है, ये जो बैजिंग है ब्लैक ग्लॉस कलर में ओवरलैप हो रही है। नंबर प्लेट प्लेसमेंट, नो लाइट इन दी सेंटर, जो टेललाइट असेंबली है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, LED ब्रेक लाइट्स एंड DRLs, LED जो है वो DRLs है, ब्रेक लाइट्स जो है हेलोजन में है, एंड यहाँ पर हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, सॉरी रिवर्स लाइट टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लेस्ड हैं। उसके बाद इसमें आपको मिलेगी 366 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी।
यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस मिलते हैं, बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज ईवी गाड़ी है। पर इसमें आपके पास सेफ्टी फीचर आएगा, अगर कुछ कॉलिजन होता है, एक्सीडेंट होता है, ऑटो पावर कट ऑफ, जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जो बैटरी पावर है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगी, जो पावर सप्लाई गाड़ी की पूरी तरह से बंद हो जाएगी। एक स्टैंडर्ड साइज रियर सीट मिलता है, बट ऑल फोर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सो यहाँ पर जो सीट है उसको डाउन करना है, सिंपली हमको यहाँ पर पुश करना है। सो एक तरफ पुश करेंगे जो पूरा सीट है नीचे हो जाएगा, और जो इसकी बूट स्पेस है इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अभी तो मिल रही है 366 लीटर्स की। तो अब चलते हैं सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम में कैसी है, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम कैसा है? उसके पहले जो डोर इंटीरियर है, सेम सी वुड शेड आपको यहाँ पर मिलेगी। ग्रैब हैंडल, पावर एंड अप डाउन बटन, ब्लैक ग्लॉस डोर ओपनिंग हैंडल या डोर ओपनिंग हैंडल ही है, लॉक अनलॉक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो है वो लॉक अनलॉक बटन्स दिए नहीं गए हैं। स्पीकर्स आपको नीचे मिलेंगे, यहाँ पर बॉटल होल्डर स्पेस डोर पॉकेट्स में है। जो सीट्स है पूरी तरह से फैब्रिक की मिलती है, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर एलिमेंट्स आपको दोनों तरफ मिलेंगे। आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर पॉइंट्स इन दी रियर सीट्स, प्रॉपर तीन सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, थ्री पॉइंट सीट बेल्ट्स, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। उसके बाद सेंटर एसी वेंट्स नहीं है, पर यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलते हैं। नो ड्राइवर एंड को ड्राइवर आर्मरेस्ट, यहाँ पर स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती है। लेग रूम, नी रूम सफिशिएंट है, इवन जो हेड रूम है काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत ही सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ग्रैब हैंडल्स एंड हुक फॉर रियर पैसेंजर्स, ड्राइवर के लिए कोई भी ग्रैब हैंडल एंड हुक नहीं है, इवन को ड्राइवर के लिए भी नहीं है। यहाँ पर साइड एंड कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं, जो साइड एंड कर्टन एयरबैग्स है ओनली फ्रंट के लिए है। एंड यहाँ पर जो है वो स्टेयरिंग में ड्राइवर एयरबैग, एंड यहाँ पर है को ड्राइवर एयरबैग। चलते हैं फ्रंट सीट्स में, उसके पहले चेकआउट करते हैं को ड्राइवर साइड। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, जो आपको ओनली ड्राइवर डोर्स में मिलेंगे। यहाँ पर सिमिलरली आपके पास डोर ओपनिंग हैंडल, ट्विटर प्लेसमेंट है, डमी है, ट्विटर प्लेसमेंट एक्चुअल में जो है वो ए पिलर में है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर प्लेसमेंट है, डोर पॉकेट से बॉटल होल्डर फोल्डर स्पेस, ग्रैब हैंडल, सीट वुड ट्रीटमेंट ऑन दी डोर इंटीरियर, पावर एंड अप डाउन बटन, फैब्रिक सीट्स। यहाँ पर जो है वो इसके एयरबैग से उसको हम लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। की स्लॉट यहाँ पर है, वार्निंग जो है वो यहाँ पर आने वाली है, जैसे हम गाड़ी की पावर सप्लाई ऑन करेंगे ये जो है वो ऑरेंज कलर में ग्लो करेगा। को ड्राइवर के लिए सनवाइजर भी थी, वैनिटी मिरर जो एक्चुअल में को ड्राइवर साइड है। सो यहाँ पर भी बैठ के काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। सी वुड ट्रीटमेंट ऑन दी डैशबोर्ड, यहाँ पर ग्लो बॉक्स इल्यूमिनेटेड मिलता है, लाइट है इसके अंदर, यहाँ पर पेन होल्डर है, बाकी स्पेशियस है, यहाँ पर कूल फीचर भी है। सो दोनों मिलता है, इल्यूमिनेशन एंड कूल फीचर, कूल ग्लोबॉक्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर है ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट एसी वेंट सराउंड में, सेंटर में भी ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट मिलता है, इवन ड्राइवर एसी वेंट में भी ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट मिलता है। दिस इज द डिफॉगर, दिस इज द ईयर इज द एयरबैग इंस्टॉल, ईयर इज द ट्विटर प्लेसमेंट, यहाँ पर भी एयरबैग इंस्टॉल मिलता है, एंड जो बी पिलर है वहाँ पर भी एयरबैग इंस्टॉल मिलता है। ऊपर में यहाँ पर है एलईडी इल्यूमिनेशन जो आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है, यहाँ पर है IRVM जो ऑटो डिमिंग नहीं है। सेंटर एसी वेंट, हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विजुअल्स यहीं पर आएंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सो यहाँ पर अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, चलो दिखाता हूँ आपको। सो जैसे हम उस बटन को प्रेस करते हैं, सो आपका जो चार्जिंग पॉइंट है वो ओपन हो जाता है। एसी एंड डीसी दोनों चार्जिंग पॉइंट्स आपको इसी में मिलते हैं। क्लोज करना है मैन्युअली, पुश एंड प्रेस, सो क्लोज हो जाएगा। कमिंग टू दी ड्राइवर साइड, लेकिन उसके पहले जो ORVM है एडजस्टेबल है, एंड इसके ऊपर आपके पास जो है वो टर्न इंडिकेटर्स आएंगे। ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट आपको ORVM पे मिलता है, जो आपको एक्चुअल में मिड एंड टॉप एंड ट्रिम्स में ही मिलेगा। ड्राइवर डोर में हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट, इसको प्रेस करेंगे अगर कीस आपके पॉकेट में होंगी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। जो ड्राइवर सीट है मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल है, फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट, लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट सब कुछ होता है। ड्राइवर डोर इंटीरियर में ब्लैक ग्लॉस डोर ओपनिंग हैंडल, ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स, पावर विंडो ऑन ऑफ बटन, ORVM एडजस्टमेंट होगा, फॉल्ट नहीं होगा। सी वुड ट्रीटमेंट ऑन दी ड्राइवर डोर इंटीरियर, डोर पॉकेट्स, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर एंड ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर इस साइड में है पावर स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर डमी बटन से स्टोरेज स्पेस मिलती है। सो गाड़ी को फाइनली मैं ऑन कर देता हूँ। सो ब्रेक पेडल प्रेस करना है और जो पावर स्टार्ट स्टॉप बटन है उसको प्रेस करना है। सो हियर इज़ द इल्यूमिनेटेड टाटा बैजिंग। इसकी एक चीज़ अच्छी है, अभी हैजार्ड लाइट्स ऑन थे, अभी मैं फिर से उसको ऑन करता हूँ।
जैसे हैजर्ड लाइट्स ब्लिंक करते हैं, ये जो कॉशन ट्राइंगल है वो भी ब्लिंक करता है। काफ़ी अच्छा फीचर है। सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर है टर्न इंडिकेटर एंड हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पर है फ्रंट वाइपर्स कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग पैडल्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स, जैसे यहाँ से इंक्रीज करना है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये देखिए लेवल इंक्रीज हो रहा है, एंड जो है लेफ्ट साइड से डिक्रीज करना है, येलो कलर लाइट्स देखिए डिक्रीज हो रही है, उसी के साथ साथ जो ट्रैवल रेंज है वो भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो है वो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इस साइड में जो है वो टैकोमीटर है, एंड रिजनरेटिव जो ब्रेकिंग है वो आपको दोनों तरफ दिखाएगा, ऊपर में टैकोमीटर, नीचे जो है वो रिजनरेटिव ब्रेकिंग, यहाँ पर जो है वो बैटरी परसेंटेज आएगी, यहाँ पर हैंड ब्रेक वार्निंग आएगी। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में यहाँ पर आएगा टाइम, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर ट्रैवल रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, ऑडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, यहाँ पर आपके पास आएंगे इको एंड स्पोर्ट्स मोड, जो यहाँ पर बटन्स है। सो अभी के लिए गाड़ी है सिटी मोड में, सो सिटी मोड का कोई भी बटन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। उसके नीचे यहाँ पर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर आएंगी सीट बेल्ट्स एंड एयरबैग्स की वार्निंग, यहाँ पर जो है वो रेड कलर में सीट बेल्ट्स की वार्निंग है, एंड यहाँ पर है डिजिटल स्पीडोमीटर। सो ओवरऑल जो स्टेयरिंग है उस पर आपके पास आएगा यहाँ पर एयरबैग, और जो कोडर एयरबैग है डैशबोर्ड में है, यहाँ पर आपके पास क्रूज कंट्रोल आएगा, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, यहाँ पर नेविगेशन आएगा सेट, एंड यहाँ पर ओके बटन है। लेफ्ट साइड में आपके पास इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, वॉल्यूम, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, म्यूट, एंड यहाँ पर जो है वो वॉइस कमांड है। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट मिलता है आपको स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग वैसे सॉफ्ट टच एलिमेंट से बना हुआ है, एकदम कंफर्टेबल है। सेंटर में यहाँ पर सेंटर एसी वेंट है, आमन की इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एसी यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे मैंने पहले आपको चार्जिंग लीड ओपन करके दिखाई, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है वो जो चार्जिंग लीड का इल्यूमिनेशन है ऑफ हो जाता है, वो ग्लो नहीं करती है। जब गाड़ी बंद होगी, जैसे सो ये देखिए जो इल्यूमिनेशन है वो ग्लो करने लगा ऑरेंज कलर में। अभी मैं फिर से गाड़ी को ऑन कर देता हूँ। सो गाड़ी ऑन हो चुकी है, अब ये देखो इल्यूमिनेशन गया। सो यहाँ पर है चार्जिंग लॉक एंड अनलॉक बटन, यहाँ पर फोग लाइट्स बटन है, यहाँ पर हिल डाउन असिस्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। दो यहाँ पर आपको एक तरह से टाइम मिलता है 2 या 3 सेकेंड का, जिससे आप अगर अपनी गाड़ी को स्लोप पे खड़ा रखा है और आपको उसको नीचे नहीं आने देना है, आप वो एडजस्ट करके टाइम में ब्रेक पैडल से पैर हटा के एक्सीलेटर पे रख सकते हैं, और हिल असिस्ट जो है, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है, उसकी मदद से बिना नीचे आए गाड़ी आप ऊपर सीधा लेके जा सकते हैं बिना डरे। उसके बाद है हैजार्ड लाइट बटन, उसके बाद टेलगेट अनलॉक बटन या ओपन बटन, कार लॉक एंड अनलॉक बटन, फैन स्पीड एडजस्टमेंट, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, एसी मोड्स, फ्रंट डिफॉग, एसी डायरेक्शन, एसी ऑफ, एयर कंडीशनिंग ऑफ, एंड यहाँ पर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसके नीचे ठीक है यूएसबी पॉइंट फॉर दी इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर है 12 चार्जिंग पॉइंट, एडाप्टर लेगा, स्टोरेज स्पेस मिलती है, ज्वेल डिजाइन क्रोम एलिमेंट, गियर नॉब विद पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड दोनों मिलते हैं, सिटी मोड इज दी बाय डिफॉल्ट मोड, यहाँ पर है एनएफसी सेंसर फॉर दी कीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, डेडिकेटेड कप होल्डर, डेडिकेटेड की स्पेस, एंड अ स्टोरेज स्पेस। गाड़ी की ओवरऑल जो ट्रैवल रेंज है, अभी गाड़ी की परसेंटेज है 47%, एंड गाड़ी की ट्रैवल रेंज है 159 किलोमीटर। सिंपली हम इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, अराउंड आपको गाड़ी की ट्रैवल रेंज 300 to 350 किलोमीटर्स की आने वाली है। यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट्स मोड है एंड सिटी मोड है। सिटी मोड में मैक्सिमम ट्रैवल रेंज मिलने वाली है, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी सी कम मिलने वाली है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट साइड एंड कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सो गाड़ी की एग्जैक्ट जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस गोवा में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द टाटा कार्स इन गोवा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, कॉल कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, गाड़ी घर लेके आ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।